भुवन बाम पेशे से यूट्यूबर है और यूं कहे तो भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। यूट्यूब पर इनका चैनल बीबी के वाइंस नाम से काफी मशहूर है, जहां पर लाखों के तादाद में इनके फैंस हैं और इनके फैंस की ये तादाद उनके सब्सक्राइबर्स से देखी जा सकती है। बात करें इनके कंटेंट की तो बीबी के वाइंस कॉमेडी वीडियोस बनाकर लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन वो भुवन बाम जो वीडियोस बनाकर लोगों को हंसाते हैं, अब भुवन बाम के ही एक वीडियो ने भुवन बाम को तकलीफ दे दिया है। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में सभी का स्वागत करता हूँ। बता दें कि मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम के नए वीडियो ऑटोमेटिक गाड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बात की नाराजगी व्यक्त की कि कैसे कॉमेडियन ने इस वीडियो में महिला का अपमान किया और उन्हें आपत्तिजनक बताया। सोशल मीडिया पर इस हलचल के बाद भुवन बाम ने उन सभी लोगों से माफी मांग ली है जो उनके वीडियो से आहत हुए थे। यूट्यूबर ने कहा कि उनका किसी को आहत करने का कोई इरादा नहीं है और सभी को आश्वासन दिया कि वीडियो में जो विवादित हिस्सा है वो उसको हटा देंगे। सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए भुवन बाम ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा कि मुझे पता है कि मेरे एक वीडियो के कुछ हिस्से से बहुत लोग आहत हुए हैं। मैंने उस हिस्से को हटाने के लिए इसे एडिट किया है। जो लोग मुझे जानते हैं वे ये भी जानते हैं कि मैं महिलाओं का बेहद सम्मान करता हूँ। मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। जिन लोगों की भावनाओं की अवहेलना की गई है उनसे मैं दिल से माफी मांगता हूँ। भुवन बाम ने ये माफी तब मांगी जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से वीडियो के लिए भुवन बाम के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करने की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, इसको लेकर अध्यक्ष ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से FIR दर्ज करने की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सचिव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को लिखा कि महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन के लिए YouTube चैनलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। भुवन बाम के वीडियो ऑटोमेटिक गाड़ी और उस पर खड़े विवाद पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट की ऐसे खबरों के लिए स्कूप बिट्स को फॉलो करते रहें।